नमस्कार, मैं जूनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आज टॉपिक चल रहा है अलंकार, हमने अब तक अलंकार के बारे में, अलंकार के भेदों के बारे में, अलंकार के तीन नाम है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। इन तीनों के बारे में आपके सामने आपके साथ चर्चा की थी। अब नंबर चार अलंकार, उपमा अलंकार आपके सामने लेकर इस वीडियो में फिर से हाजिर हुए हैं। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? सीधी सी परिभाषा है इसकी, जहां अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान में तुलना या उपमा की जाए। अलंकार के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक उपमेय होता है, प्रस्तुत वस्तु होती है हमारे सामने, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो। कोई प्रस्तुत व्यक्ति, कोई प्रस्तुत वस्तु या स्थान जिसकी सुंदरता को देखकर हम उसकी तुलना, उसकी बराबरी किसी अप्रस्तुत व्यक्ति, वस्तु या स्थान से करते हैं, तो उसी में इसकी परिभाषा निहित है कि जहां अत्यधिक समानता दर्शाने के लिए, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण रूप आदि का उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब है चरम सीमा, बताने के लिए किसी लोक प्रसिद्ध व्यक्ति या फिर लोक प्रचलित वस्तु, जो लोगों के बीच में प्रसिद्ध व्यक्ति है या लोगों के बीच प्रसिद्ध वस्तु है, जैसे कमल का फूल है, लोक प्रचलित वस्तु है, हमें पता है, जिसको भी आप कमल के फूल के बारे में चर्चा करोगे वो स्वयं समझ जाएगा, खुद समझ जाएगा कि कमल का फूल अत्यधिक सुंदर होता है। चंद्रमा के बारे में चर्चा करोगे तो चंद्रमा की भी यही स्थिति है कि चंद्रमा की सुंदरता अद्वितीय है। तो ये लोक प्रचलित वस्तु हो गई। से तुलना या उपमा की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा शब्द का अर्थ ये है तुलना करना, किसी से तुलना करना। इसमें श्री सा से सम, अब कैसे पहचाने कि कोई काव्य पंक्ति है, मान लो उसका अर्थ हमें नहीं लगा सकते, तो उपमा अलंकार को पहचानने के लिए आसान है कि इसमें जिस भी काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार होगा उस काव्य पंक्ति में सी सा से सम सरिस आदि उपमावाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी आसान पहचान है। जैसे उसका हृदय नवनी सा कोमल है, इसमें सा आ गया उपमावाचक शब्द। इसमें उपमेय और उपमान में किसी लोक प्रचलित वस्तु या व्यक्ति या स्थान से तुलना या उपमा की जाती है। तो यहाँ लोक प्रचलित पदार्थ क्या है हमारे लिए? नवनीत माखन, जिसको हम माखन के नाम से जानते हैं। हृदय है हमारे शरीर में, जो हृदय स्थापित है उसी स्थापित हृदय को हम यहाँ उपमेय के रूप में लेकर आए हैं। नवनीत यहाँ उपमान है, अर्थात प्रस्तुत तो है हृदय किसी व्यक्ति का और अप्रस्तुत चीज है नवनीत माखन। हमें पता है माखन का स्वभाव कैसा होता है, कोमल। किसी भी हमारी आंखों के सामने जो प्रस्तुत व्यक्ति है उसकी विनम्रता, उसकी सहृदयता को, उसके दूसरों के प्रति विनम्र भाव को देखकर हमने उस व्यक्ति के हृदय की तुलना माखन से कर दी कि उस व्यक्ति का हृदय माखन के समान कोमल है। पिपर पात सरीस मंडोला, पिपर का मतलब है पिपल, पात का मतलब पत्ता, सरीस का मतलब के समान, मंडोला पिपल के पत्ते के समान मन झूम उठा, खुश हो उठा। हाय फूल सी बच्ची हुई रात की थी डेरी, हाय फूल के समान कोमल बच्ची जल कर रात की डेरी में बदल गई। अगला है रूपक अलंकार, जहां अत्यधिक समानता के कारण, बहुत अधिक समानता जिसमें हम बराबरी के अलावा और कोई प्रकार उसमें लगा ही नहीं सकते, उपमेय और उपमान है दोनों, हम दोनों में भिन्नता कर ही नहीं सकते, इतना समान एक दूसरे के साथ वो दर्शाते हैं, तो उसी अत्यधिक समानता के कारण उपमेय उपमान में भेद दर्शाया जाए, कोई भेद न हो, दोनों बराबर, ये भी वैसा ही, ये भी वैसा ही, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधो हरिराय,
प्रस्तुत और उपमा होता है अप्रस्तुत, उपमेय किसको कहते हैं? प्रस्तुत को या प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का होता है जो हमारी आंखों के सामने है, और उपमान होता है अप्रस्तुत या अप्रत्यक्ष जो हमारी आंखों के सामने नहीं है। दो भाग होते हैं उसका विपत्ति में। तो अब यहां देखो, यहां चरण और कमल, इसमें उपमेय तो है चरण, हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत है चरण, और अप्रस्तुत उपमान है कमल। यानी प्रभु के चरणों की सुंदरता को देखकर हमने प्रभु के चरणों की समानता बराबरी किससे कर दी? कमल के फूल से, कि कमल का फूल उतना ही सुंदर है। हरि का मतलब होता है भगवान, कमल का फूल उतना ही सुंदर है, सॉरी कमल के फूल के समान ही भगवान के चरण सुंदर है। तो यहां चरणों की सुंदरता स्वाभाविक रूप से सुंदर कमल के फूल से की गई है। तो हमारे सामने में है प्रस्तुत है वो है चरण, भगवान के चरणों की सुंदरता को देखकर हमने उन चरणों की सुंदरता की तुलना अप्रस्तुत अप्रत्यक्ष कमल के फूल के साथ कर दी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कमल का फूल प्राकृतिक रूप से सुंदर होता है और हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है। यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से, यह तेरी रण का मतलब होता है युद्ध, तरी नौका छोटी नाव को नौका या तरी बोलते हैं, यह तेरी युद्ध रूपी नौका आकांक्षाओं से इच्छाओं से भरी हुई है। मैं स्नेह सुरा का पालन किया करता हूं, स्नेह सुरा का मतलब है प्रेम रूपी सुरा, मैं प्रेम रूपी सुरा का पान किया करता हूं। मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूं। अब प्रभु श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं, जब छोटा बच्चा है तो वो खिलौनों से खेलता है तो कहता है आकाश की तरफ देखकर, मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौने को लेकर खेलना चाहता हूं। अर्थात श्री कृष्ण की नजरों में साधारण खिलौनों में और उस चंद्रमा रूपी खिलौने में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं। तो जहां समानता दर्शाई जाती है उपमेय उपमान में, अभेद दर्शाया जाए समानता के कारण, वहां रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, जहां अत्यधिक समानता है, समानता विषय भी है लेकिन यहां अत्यधिक समानता के कारण उपमेय उपमान में अभेद दर्शाया जाएगा, वहां तो होता है रूपक अलंकार। और जहां किसी वस्तु व्यक्ति का या अत्यधिक समानता के कारण उपमेय उपमान की किसी लोक प्रचलित वस्तु या व्यक्ति से तुलना या उपमा की जाती है, और उत्प्रेक्षा में होगा जहां समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, उपमेय में उपमान की, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी भी एक पहचान है विपक्ति के अंदर, इसमें मानो मनु जानो जनु मनहु जनहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई काव्य पंक्ति आगे, हमें उसका अर्थ भले ही न पता हो लेकिन अगर इसमें मानो मनु जानो जनु मनहु जनहु आदि शब्द अगर हमने देख लिए तो वो प्रेक्षा अनुकार का ही उदाहरण होगा। जैसे उस काल हमारे क्रोध के तरुण कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर। यहां ये मानव शब्द है, इसके आधार पर हम इसको उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण मान सकते हैं अगर हमें इसकी सही स्थिति या इसकी व्याख्या इसके अर्थ का पता न हो तब भी। जैसे ये चर्चा है महाभारत प्रसंग से, महाभारत महाकाव्य से, कि जब अर्जुन को श्री कृष्ण के द्वारा ये समाचार मिलता है कि कौरवों ने चक्रव्यूह में सभी महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया है, तो उस समय अर्जुन के शरीर की स्थिति और एकदम से तेज हवा के भवन से सागर की स्थिति एक समान बताई गई है। यहां जिस प्रकार सागर तेज
झोंके से, बवंडर से, तूफान से अपने जल को लहरों के रूप में सागर तट पर ऊंचे ऊंचे उठाने लगता है और बाढ़ रूपी बहकर रूप धारण करता है। उसी प्रकार उस समाचार को सुनकर, अभिमन्यु के मरने की खबर को सुनकर अर्जुन का शरीर भी उसी के समान थरथर कांपने लगा क्रोध के कारण। कि जब अभिमन्यु के मृत्यु का खबर समाचार अर्जुन के पास जाता है तो उस समय, उस काल का मतलब है, उस समय क्रोध के कारण अर्जुन का शरीर इस तरह कांपने लगा मानो तेज हवा के झोंके से एकदम शांत सागर में तेज तेज लहरें उठने लगती हैं। सोहत को ढेर भी तू पटो शाम सलोने का मनो नियंत्रण शहर पर आता तू प्रयोग प्रभाव। सोहत का मतलब है अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, सोहते हैं। वो ढेर पहने हुए भी तू पीले पटो वस्त्र, श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण करते थे शाम सलोने का उसके सांवले शरीर पर। शाम सलोने का मतलब है सांवले सुंदर शरीर पर, गात का मतलब शरीर। भगवान श्री कृष्ण के सांवले सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र बड़े ही आकर्षक लगते हैं, सुंदर लगते हैं और वो इस प्रकार सुंदर लगते हैं मानो नील मणि पर्वत पर सुबह सुबह ही एकदम से गर्मी या धूप पड़ने लगी हो, गिरने लगी हो। आतपो का मतलब होता है आतप या गर्मी, प्रयोग पड़ो प्रभात सुबह, मानो सुबह सुबह ही नीलमणि पर्वत के ऊपर गर्मी धूप गिरने लगी हो और उसकी चमक उसी प्रकार दिखाई देती है जैसे सांवले शरीर पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्र। कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानव हो गए पंकज में। अब जैसे ही अभिमन्यु के मरने की खबर उतरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी उसको मिलती है तो वो अपनी शक्तियों को ये कहती हुई उसकी आंखें भर आती। कहती हुई उतरा के नेत्र जल से इस प्रकार भर गए मानो, हिम का मतलब है बर्फ के कणों से पूर्ण, मानो बर्फ जब रात को पेड़ को दोपहर बर्फ गिरती है और उसकी बूंदे पत्तों पर जमती हैं और सुबह जब सूर्य निकलता है तो कितना सुंदर आकर्षक दृश्य दिखाई देता है। तो उसकी उस कमल के समान बड़ी बड़ी आंखों से वो नेत्र जो कमल के समान सुंदर थे उसमें से गिर रहे आंसू उस हिम के कणों के समान ही गिरते दिखाई पड़ रहे हैं मानो हो गए पंकज में। पंकज का मतलब है कमल का फूल। कमल के फूल के पत्तों पर जिस प्रकार रात के समय बर्फ की बूंदें जमकर उसकी सुंदरता को बढ़ाती हैं, जब वो सुबह सूर्य उदय के बाद वो बूंदें एक एक करके उस पत्ते से नीचे गिरती हैं तो उसे कमल के फूल के समान ही उत्तरा के नेत्र जल से उस समाचार को सुनकर इसी प्रकार भर गए अर्थात परिपूर्ण हो गए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम बाकी बचे अनुभाग को आपके सामने लेकर आएंगे।